संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ये सब जानते हैं, पूरा हरियाणा जानता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नाम से किसी ने, एक ने जो झंडा उठा के रखा था वो नेहरा साहब थे। नेहरा साहब को हम पूरे पुराने हिसार जिले के सबसे पुराने पक्के कांग्रेसी नेता के रूप में मानते थे। बीच में अब जो भी हालात हुए कोई बात नहीं, देखो राजनीति में भी हर तरह से जो भी सिचुएशन बनती है, जैसे भी बनती वो अलग बात है, लेकिन नेहरा साहब ने भी अपना राजनीतिक जीवन यूथ कांग्रेस से, 70 के दशक में यूथ कांग्रेस से मोटरसाइकिल पे शुरू किया था और फिर उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, उनको टिकट मिली 77 में जब कोई टिकट लेने वाले नहीं थे, पुराने लोगों को याद होगा धूल उड़ा करती थी 77 में तो कांग्रेस के खिलाफ, तो उस समय उन्होंने चुनाव लड़ा और बाद में इलेक्शन जीते, मंत्री बने, ये सिलसिला चला। हमारे अनेकों साहब जी साथ थे, नहीं रहे, जो भी है बात होती है जिंदगी की। हमारे ठाकुर सज्जन सिंह जी थे, पुराने मेरे पिताजी के पुराने साथी, वहां के स्तंभ थे हमारे। फिर वही बात, चलो कई बार समय से हो जाती है बातें। अब बाद में कांग्रेस में मुझे बड़ा दुख था कि नेहरा साहब कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा, उनको हालात से जैसे हालात बने, और मेरी हमेशा ये मेरा प्रयास था कि नेहरा साहब को वापस कांग्रेस में लेके आए, और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरी बात को माना और वो वापस कांग्रेस में आ गए। ये बहुत एक अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छी बात हुई उनका, बहुत हमको, मुझे नहीं पूरे यहाँ पे कांग्रेसियों के बहुत बड़ा सहारा था उनका घर। फिर हमारे भाई सुरेंद्र जी, उनको भी एक्टिव थे और उन्होंने बड़ा काम संभाला। मुझे बल्कि बहुत खुशी हुई जब सुरेंद्र जी ने जिम्मेवारी लेकर, बीच में हम ऐसा एक और उपचुनाव आया तो मैं कहती थी कहाँ किसको भेजूं, तो सुरेंद्र अपने आप कह देते बहन जी कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी लगा दो, कर लूंगा। कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा आगे होकर उन्होंने काम संभाला। और बड़ा मतलब एक हादसा ऐसा हुआ कि अचानक इस उम्र में वो हमारे से चले गए। अब मोनू है, मोनू हमारा है, हाँ, तो मोनू छोटा है, उसका भी मैंने पूरा ध्यान रखना है। संदीप है भाई, नेहरा साहब की इच्छा थी कि ये आ जाए, अब सुरेंद्र नहीं रहे तो हमने पूरे परिवार को संभालना है। और मुझे बहुत खुशी है कि संदीप जी ने अपनी नौकरी अब छोड़कर आप लोगों की सेवा में, पार्टी की सेवा में कदम रखा है। इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अपने दुर्गा सिंह जी का बहुत स्वागत करती हूँ कि भाई अब सारे मिलजुल कर हम यहाँ पर कांग्रेस को फिर से मजबूत करेंगे। जो पुराने लोग हैं, लादू राम जी हैं, सही राम जी हैं और प्रभु जी हैं और बहुत से चेयरमैन साहब, बड़े संत जी हैं, अवतार भी पहले तो छोटा ही होता था, ये भी बड़ा हो गया मेरी तरह, चेयरमैन साहब ना भाई पूरा दुनियादारी से इंदर कड़ा, मैं तो सारे देखो सब मिलजुल कर परिवार की तरह हम सब मेहनत करेंगे और फिर से यहाँ पर हमने, देखो कांग्रेस हमेशा यहाँ हार जीत की बात नहीं है चुनाव में, लेकिन कांग्रेस की नींव जड़ें यहाँ बहुत मजबूत रही हैं। हमने साथ में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, पद यात्राएं की, धरने किए, जेल भरो किए, बहुत कुछ किया, फलाना ढिमकाना, जालीवाल जी भी है बहुत लोग हैं जो रह रहे के नाम तो सब सबने बहुत मेहनत पद यात्राएं की, हमने बहुत मेहनत की है, तो उन सब चीज़ों को हमने दोबारा से पार्टी को मजबूत करने के लिए
सभी लोग लगे, जो बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद दें, मेरा क्योंकि भाई मैं से तो छोटा ही है तो मेरा आशीर्वाद भी है इसको, शुभकामनाएं भी है, और सब हम सबको बाकी भी सबको साथ लेकर चलें, फिर से हम कांग्रेस परिवार की तरह यहाँ पर काम करें, एक दूसरे का हाथ बटाएं, दुख सुख में रहें, और जिसको जहाँ जरूरत हो पढ़कर आगे आए, नए साथियों को भी जोड़े, ये भी एक सबकी जिम्मेवारी बनती है कि नया इजाफा भी होना चाहिए, नई पीढ़ी भी। अब देखती हूँ बार बार मैं वो उनका लड़का और उनका पोता और तो भाई अब तो पीढ़ी दर पीढ़ी तो ये बढ़ता जाए आगे। हम सभी लोग मेरी मैं शुभकामनाएं दूंगी संदीप को, संदीप आगे बढ़ो, मेहनत करो, और जगह खड़ा छोटू खड़ा सारे भाई और सब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, ये मुझे विश्वास दिलाओ कि सारे मिलजुल कर मेहनत करें और परिवार की तरह सब हम काम करें, क्योंकि यहाँ हमेशा हम परिवार की तरह रहे हैं, आगे हम मिलजुल कर काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। देखो भविष्य में जो काम करेगा, मेहनत करेगा, लोगों के बीच में जाएगा, उसका भविष्य उज्ज्वल होगा और जरूर होगा। और भाई मैं तो साथ खड़ी हूँ उसमें, कोई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के।